अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो आज की जो रेसिपी है वो है बची हुई दाल और सब्ज़ी के पराठे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, और आप जब बनाओगे जब भी आपको पता चलेगा। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो मैंने एक दिन पहले है ना दाल और सब्ज़ी बनाई हुई थी। सब्ज़ी जो थी वो पत्ता गोभी की थी और फीकी वाली दाल मैंने बनाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब जब इतनी बची गई है दाल तो क्यों ना इसका पराठा बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे देखी है कि दाल कितनी बची थी, बहुत थोड़ी सी दाल थी, यानी कि तकरीबन कुछ हाफ़ कप के करीब जो दाल बची हुई थी। सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा थी, तो सब्ज़ी जो भी होगी आपके पास आपने वो ले लेनी है। मेरे पास पत्ता गोभी थी, आपके पास मेथी की सब्ज़ी होगी या फिर फ्लावर की होगी, उसमें अगर आलू वगैरह होंगे तो और भी अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दाल के अंदर के जो भी कड़ी पत्ते, जो भी बघार में हम ऐड करते हैं, जो ऐसे खड़े खड़े दिखते हैं, वो मैंने निकाल लिए थे, जैसे कि हरी मिर्ची और अखी लाल मिर्च, वो मैंने साइड में निकाल के रख दिए है। पत्ता गोभी के अंदर भी जो भी अखी साबत चीज़ें थी वो भी मैंने निकाली, जैसे कि टमाटर वगैरह वो मैंने निकाल लिए थे उसके अंदर से, और वो भी मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर लिए। एक कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें आधा कप के करीब जो है दाल ऐड हो गई है, और सब्ज़ी जितनी भी बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर ली है। और 1 टेस्पून के करीब मैंने यहाँ पे तेज़ स्पाइसी के लिए हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है, नमक ऐड किया है और कसूरी मेथी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और दही भी जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया था। अभी आपके हिसाब से आपके पास कितनी दाल बची है उस हिसाब से आपने सारे मसाले और आटा ऐड करना है। आप चाहो तो हरी मिर्ची का पेस्ट जो है उसे स्किप कर सकते हो, उसकी जगह पे आप लाल मिर्ची का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से नॉर्मल आटा जैसे गूंथते हैं बस वैसे ही गूंना है, बिना पानी लगाए, क्योंकि दाल में भी पानी होता है, सब्ज़ी में भी थोड़ी सी ऐसी मॉइस्ट होता है, तो बस ये उसी के अंदर अच्छे से गूंदा जाता है। तो बस मैंने इसे अच्छे से एक सॉफ्ट आटा गूंद लिया था, और बस उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर फिर से एक बार इसे अच्छे से मसाज देकर थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर यानी कि तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे साइड में रख दिया था रेस्ट करने के लिए, जब तक दूसरे काम मैंने निपटा लिए थे। और वैसे मैं ये सुबह नाश्ते में बना रही थी, आप चाहो तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। वैसे देखिए कि दाल जब रात की बच जाती है और या सब्ज़ी बच जाती है तो बच्चे या हम भी थोड़ा खाने में आनाकानी करते हैं। अगर इस तरीके से हम लेफ़्ट ओवर दाल और सब्ज़ी की पराठे बना ले तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक नया टेस्ट बच्चों को मिलता है खाने के लिए। और ये यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था ना ये पराठा, तो जब तक आप बनाओगे नहीं, जब तक आपको समझेगा नहीं, जब भी आपके यहाँ पे दाल या सब्ज़ी बच जाएगी तो इस तरीके से आपने पराठा बना लेना है, और बच्चे भी एकदम खुशी खुशी खाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पत्ता गोभी ही होनी चाहिए, मेथी, अगर मेथी हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये वाले पराठे। और अगर फ्लावर की सब्ज़ी हो, उसके अंदर आलू हो या फिर हरे मटर हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आपके पास जो भी सब्ज़ी बच जाए बस आपने थोड़ा सा उसे मैश कर लेना है, क्योंकि पत्ता गोभी तो कैसी होती है कि थोड़ी सी लीफी, मतलब ऐसे सॉफ्ट हो जाती है बनने के बाद में, तो इसलिए उसको ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई उसे मैश करने में। लेकिन अगर फ्लावर की सब्ज़ी हो या फिर कोई बीन्स की सब्ज़ी हो तो आपने थोड़ा सा उसे मैश कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक बार ये बना लिया ना पराठा, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, ये पराठा बनाने के लिए ज़्यादा सब्ज़ी और ज़्यादा दाल बनाने लगोगे। सही में बोल रही हूँ मैं। तो बस ये देखिए कि रोटी मेरी बनकर जो है रेडी हो गई थी। बस इसके बाद नॉर्मल जैसे हम पराठे या रोटी सेकते हैं बस वैसे ही इसे सेकना है, लेकिन थोड़ी एहतियात से, क्योंकि इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है दही और दाल के वजह से, इसीलिए थोड़ा एहतियात करना है। थोड़ी आधी कुक हो जाने देना है पराठे को और उसके बाद ही हमें फ्लिप करने, वरना पराठा टूट सकता है। और ये इतने सॉफ्ट रहते हैं ना कि हम हाथों से जब इसको दबाते हैं तब ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है, और खुलने पर ये बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक नहीं होती है। तो मैंने दोनों साइड से अच्छे से तेल लगा कर, आप चाहो तो घी लगा कर इसे सेक ले, और इसे चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ खाइए या फिर दही के साथ खाइए, ये तीनों के साथ में बहुत ज़बरदस्त लगती है, या फिर आप ऐसे रूखा भी खा सकते हैं, इसे बहुत ज़बरदस्त लगती है। हम लोगों ने तो इसे सॉस के साथ में, बच्चों ने सॉस के साथ में खाया था, दही के साथ में खाया था, और मैंने इसे चाय के साथ इंजॉय किया, तो मुझे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये दाल वाले पराठे।
आई होप आपको भी मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। देखिए माशाल्लाह से पराठा जो है हमारा दाल का वो बनकर रेडी हो चुका है। बस ऐसे ही करके हम सारे पराठों को बेल लेंगे, सेक लेंगे और बच्चों को फटाफट से सर्व कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर। तो वैसे मतलब बारिश के मौसम में पराठा चाय खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फटाफट से बस यहाँ पे देखिए कि मैंने पराठा बना के रेडी कर लिया है, और अब फटाफट से मैं यहाँ पे जो है किचन को क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पराठे कैसे बने थे। ये लास्ट वाला पराठा भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप लोग सब वीडियो देखते हो पर लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक करने में क्या जाता है, एक ही तो लाइक वाला जो सिंबल होता है उसे तो प्रेस करना होता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये देखिए मैं गरम गरम में आपको सब प्रेस करके बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और टेस्ट का तो क्या कहना। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और देखिए मैंने इसको हॉट पॉट के अंदर एक अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल के अंदर ढक कर कवर करके रख दिया ताकि ये ठंडे ना हो, ये गरम गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।